भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है, देश के जो खिलाफत रणनीति है वो बनाने में हमेशा कामयाब होती है। वो लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलती है और खिलवाड़ हमेशा करा है उन्होंने। दो आतंकवादी सदन के अंदर घुस जाता है और उनकी सुरक्षा पूरे एक बात नहीं करते हैं। ये जो दो दोषी है, उनकी एंट्री भी भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिन्हा के द्वारा हुआ है। जो संसद पे हमला करने वाले जो अफजल गुरु है, आपके सांसद महोदय है, तो इसमें तो साक्षात है कि आपके दो कार्यकर्ता संसद के अंदर जाकर ब्लास्ट करता है। हिंदू कार्ड खेलने के लिए, मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए, शपथ लेने के लिए अभी तक सदन के अंदर नहीं जा रहे, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा ना। आप एक तरफ मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन दूसरे तरफ आपके नेता उसी पिछड़े समुदाय के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करेगी, गाली देने का काम करेगी, उनका शोषण करेगी। जब उन्हें 2024 का चुनाव हारते हुए दिख गया, तो उन्होंने दो चार कठपुतली को लाए हैं जो कठपुतली उनके इशारों पे चलेंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित शर्मा जी। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के बाद रिजल्ट आ चुका है और 3 राज्यों में भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है और उन्होंने मुख्यमंत्री भी अपने चुन लिए हैं, आज शपथ का दिन है, तीनों जो मंत्री हैं, तीनों राज्य के मंत्री वो शपथ लेंगे। जिस तरीके से एमपी में ओबीसी को चुना गया है और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो ब्राह्मण है उन्होंने उनको मुख्यमंत्री चुना गया है। इनमें इनके क्या मायने हैं, क्या राय रखते हैं इस पर, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इस चीज़ पर आप? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है, वो रणनीतिकार में उनको अगर उपाधि दी जाएगी तो सबसे पहले उन्हें उपाधि दी जाएगी, क्योंकि वो देश के जो खिलाफत रणनीति है वो बनाने में हमेशा कामयाब होती है। वो लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलती है और खिलवाड़ हमेशा करा है उन्होंने। आपने देखा इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इन्होंने तय कर दिया समावेश बनाकर अपना जो भविष्य उन्हें देखने के हिसाब से, लेकिन इसी सदन पे 22 वर्ष बाद जब सदन सांसद घटना की जब आती है बात, उस 22 वर्ष के उस वर्षी पे दो आतंकवादी सदन के अंदर घुस जाता है और उनकी सुरक्षा पूरे एक बात नहीं करते हैं ये। और जो दो लोग, जो दोषी है, मैं आरोपी भी नहीं कहूँगा उनको, जो दो दोषी है उनकी एंट्री भी भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिन्हा के द्वारा हुआ है। आप ये बताइए, जो संसद पर हमला करने वाले जो अफजल गुरु है, उनको अगर फांसी, जो साजिश करता थे, अगर उनको फांसी दी जा सकती है, तो इसमें तो साक्षात है कि आपके दो कार्यकर्ता संसद के अंदर जाकर ब्लास्टिंग करता है, स्मोकिंग करता है, और साजिश करता आपके सांसद महोदय है और आपकी पूरी चुप्पी होती है। तो आप बात आते हैं राज्यों के चुनाव को लेकर, ये हमेशा से एक कठपुतली का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और संघ को मैं तमाम मंचों पे देखा है, मैंने मोहन भागवत जी को क्या देखा, तमाम मंचों पे ये बात करते हैं कि हम एक हिंदू नहीं हैं। कहने का मतलब, हमें हिंदू में, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं एक हिंदू नहीं हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, और कहते हैं उस सनातनी में मुझे एक हिंदू बना दिया गया है। ये मोहन भागवत का बयान दे रहा हूँ। और इसलिए कहने थे कि सनातनी में अब सारे जातियों को लेकर एक साथ हमें अखंड बनाने की ज़रूरत है, ऐसा मोहन भागवत करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो नहीं की जाती है। लेकिन उन्होंने, जब उन्हें 2024 का चुनाव हारते हुए दिख गया, तो उन्होंने दो चार कठपुतली को लाए हैं जो कठपुतली उनके इशारों पर चलेंगे, जो बांटने की राजनीति पर अपना वर्चस्व बढ़ाया है, उस वर्चस्व को कायम रखेंगे। इसी रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। सवाल उठता है कि आप उन तमाम जो समाज है, जो शोषित है अपने आप से, उन शोषित समाजों के लिए आपने क्या कार्य किया है? आज आप देख लीजिए, जहां हम यहां मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी पे मौजूद हैं, 110 दिन हो गए हैं डॉक्टर रितु सिंह जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी नेता, कार्यकर्ता या उनके जो भी लोग हैं उनको भेजने का काम नहीं किया कि बैठकर बात की जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात एक प्रोफेसर के नहीं है, दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात करता हूं मैं, वो भी एक पिछड़े समाज से आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव अन्याय के खिलाफत अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव छात्रों को जागृत करने का काम करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव तमाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को जगाने का काम करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव तमाम जो नौकरशाह लोग हैं उनको जगाने का काम करते हैं, लेकिन उनके साथ उनका रिजल्ट, उनको क्या मिला? उनको रिजल्ट मिला, उनको नौकरी हाथ से धोना पड़ा। तो वो परमानेंट टीचर नहीं थे ना, टेम्पररी थे, तभी तो निकाले गए हैं। सुनिए, टेम्पररी टीचर का जब उन्होंने इंटरव्यू दिया परमानेंट टीचर के लिए,
तो उनका जो इंटरव्यू का जो लिस्ट था, जो उनमें आंकड़ा जो निकल के आया था, जो मेरिट निकल के आई थी, उस मेरिट में तो वो एडजस्ट करते थे। उस मेरिट की बात आप क्यों नहीं करते हो? और उस मेरिट के आधार पे अगर इंटरव्यूअर ने अगर किसी को सेलेक्ट किया था, वो तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से थे। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को दो मिनट के इंटरव्यू के आधार पर उनको कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो हुआ था ना, उसी के आधार पर निकाला गया है। अगर सिलेक्ट होते तो सिलेक्ट कर लिया जाता। सुनिए, एक प्रोफेसर, एक छात्र जो न्यायपालिका में विश्वास रखता हो, लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, तो वो रेफरेंस की बात करेगा। मैम, वो रेफरेंस की बात करेगा, किसी आरएसएस और संघ की विचारधारा को अपने मुंह से कहने की बात नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस इंटरव्यू के आधार पर बीजेपी और आरएसएस ये चाहते थी कि वो अपनी बात को, बीजेपी और आरएसएस की बात को डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहे। लेकिन ऐसा कतई भी प्रोफेसर का ऐसा करना उनके लिए कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। क्यों? छात्र और शिक्षक के जो न्यायिक संगत की बात होती है उसके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने समता की बात करा, और समता में जो बात है, जो सच्चाई है, उनको लाया। आप अगर आपको लगता है कि उस रामचरितमानस में कुछ गलत नहीं है, तो पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ही कह देना चाहता हूँ, लोगों के अंदर विश्वास जगाइए। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिसको अछूत कहते हैं, जिनको शूद्र कहते हैं हम, तो उनके अंदर विश्वास जताइए। आप जब जब हम लोग विश्वास जताने की बात करते हैं, तब तक तो या तो आप मुँह रखने पर मार देते हैं, या जिस बच्चे को, जिस प्राइमरी स्कूल का वो छात्र इंदर मेघरवाल, जिसको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है, जाति क्या होता है, उसको पानी के मटके से पानी पी लेने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ तक नहीं, मैं सिविल सर्विसेज में जॉब करने वाले नौकर साहब, अगर वो सानो सोकर से अपना फंक्शन मंगाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की हत्या कर दी जाती है, उनका शोषण किया जाता है, उनकी आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो आत्महत्या नहीं हो तो वो एक तरह से हत्या ही होता है, और वो इंस्टीट्यूशनल हत्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव यही तो कहते हैं कि आप विश्वास तो जताइए कि आप हम लोगों के साथ खड़े हैं, आप अन्याय के साथ खड़े हैं, आप शोषण के खिलाफ खड़े हैं। तो वो खड़े तो हैं। अब जिस तबके की बात करते हैं कि दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसी तबके को मुख्यमंत्री बना दिया है। अब वो उस चीज़ के हिसाब से ही तो काम करेंगे उन तबके को देखते हुए। इस सरकार ने तो दो बार इतिहास में लिखने के लिए, जिस तरह से मुगल से पहले जब इनकी राजशाही चला करती थी, उस समय यही कार्य किया करते थे मनुवादी लोग कि आपके जो लोग हैं इतिहास में कुछ और लिखा जाएगा, सच्चाइयाँ कुछ और होगी। इन्होंने तो दो दो राष्ट्रपति दिया, एक दलित और एक आदिवासी। लेकिन उस राष्ट्रपति ने क्या दलित और आदिवासी के लिए कोई कार्य किया? ये यहाँ इस देश भारत की जो दलित और आदिवासी जो लोग हैं, महिला हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्या कार्य किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस सीट पे, उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं, उनकी बात की जाएगी? जल जंगल और ज़मीन की बात की जाएगी या नहीं की जाएगी? बिरसा मुंडा को, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिनके महापुरुष हैं, उनको वो सम्मान और मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको भारत रत्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है पिछड़े समाज से, क्या उस आदिवासी पे पेशाब किया गया था, उस पेशाब कांड के जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? मैं उसी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला के खिलाफ क्या मोहन यादव जी खड़े उतरेंगे? मैं उसी मोहन यादव जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके राज्य में ही छिंदवाड़ा के पास एक जिला पड़ता है, वहाँ पे एक महिला को खेत में काम कर रही थी और उसको जिंदा जला दिया गया था, तो उस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? मैं इसी मोहन यादव से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो पटवारी घोटाला हुआ था, उस घोटाले के जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी? और नौकरी बहाल की जो बात है मध्य प्रदेश के अंदर, वो बहाल की जाएगी कि की जाए नहीं जाएगी? यही राजस्थान के अंदर भी सवाल करना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर भी इन्होंने कार्ड खेला है, क्या खेला? दिया कुमारी जी कुशवाहा समाज से आते हैं, और जो दूसरे जो हैं उप मुख्यमंत्री, वो दलित समाज से आते हैं। तो वहाँ भी जो धारणाएँ, जो दासी प्रथा, उस दासी प्रथा को ख़त्म करने में ये अपनी भूमिका निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, ये सवाल उठता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वहाँ पे तमाम जो नेता थे राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए, तो पिछड़ों की जो भूमिका सबसे ज़्यादा भूमिका है, जाट समुदाय की भूमिका, बात की यादव समुदाय की भूमिका वहाँ पे ज़्यादा है,
लेकिन आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मेरा बात जाति और उससे नहीं है। मेरा बात है आप फिर मुझे जाति और पंथ पे ले जाएंगे, मेरा बात है जाति और पंथ में समावेश और समता कब कैसे ले जाएगी। इन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये है, और भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास जताना चाहती है तो विश्वास जीतने का काम करें, तो हम जैसे लोगों का तो विश्वास जीतने के लिए उन्होंने दो जो मुख्यमंत्री चुने हैं दलितों को चुना है, ताकि एक बार उनको मौका दे के देखा है, ताकि वो आगे काम भी करेंगे। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, आज शपथ ले रहे हैं वो तो काम जरूर करेंगे। सुनिए, हम धैर्य रख रहे हैं, हमने हमेशा रखा भी है, 70 सालों से हमने धैर्य ही रखा है। मैं चाहता हूँ कि पिछड़ा नेता अगर कोई चाहता है ना, तो लालू यादव चाहता है, कोई कांशीराम चाहता है, कोई मुलायम चाहता है, कोई मायावती चाहता है, कोई नीतीश चाहता है, तो सोनेलाल पटेल चाहते हैं, तो ऐसे पिछड़े नेता की ज़रूरत है। क्यों? मैं इसलिए पूछना चाह इसलिए कहना चाहता हूँ, जो अपने सरकार किसी भी गठबंधन में रहे, वो उस गठबंधन में, उस गठबंधन के जो लीडर है उससे आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके, तो ऐसा नेता चाहिए हमें। अगर पिछड़ों पे शोषण उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, उनके मैं पिछड़ों की बात मैं करता हूं, तो उसमें मुसलमान समाज के भी लोग आ जाते हैं, आप इसको डिक्लाइन नहीं कर सकते। आप ये बताइए, आप तेलंगाना की बात कर लेता हूँ, राज्यपाल बनाने का काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर ने किया, लेकिन वहाँ के जो तमाम नेता है हिंदू कार्ड खेलने के लिए, मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए, शपथ लेने के लिए अभी तक सदन के अंदर नहीं जा रहे, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा ना। आप एक तरफ मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन दूसरे तरफ आपके नेता उसी पिछड़े समुदाय के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करेगी, गाली देने का काम करेगी, उनका शोषण करेगी, तो ये नहीं चलेगा। ये न्यायिक संगत की बात नहीं, न्याय संगत की बात करता है पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग। तो मैं तो आपसे ही पूछना था पत्रकार महोदय, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और मैं तो उन तमाम मीडिया के लोग जो उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहिए, सदन में जिस तरह से हमला हुआ है उसको फांसी दी जाए, और उसके जो सांसद है जिसके द्वारा वो दोनों दोषी आए हैं उनको तुरंत के तुरंत संसद पर से बर्खास्तगी की जाए, तब जाके लोगों के अंदर जो विश्वास है वो जागृत होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा जी, आपने इनको सुना, जिस तरीके से एमपी और छत्तीसगढ़ में इन्होंने दलित समाज और ओबीसी समाज से जो आने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि उन्होंने इनको मुख्यमंत्री तो बना दिया है, क्या यही लोग दलित समाज के लिए काम करेंगे? अब देखते हैं आने वाले टाइम में ये लोग काम करते हैं कि नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।